दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में एक ही दिन में डॉक्टरों की दूसरी लापरवाही। डिलीवरी पेन से पीड़ित महिला को भर्ती करने में डॉक्टरों ने किया मना और महिला को हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर खुले प्रांगण में डिलीवरी करनी पड़ी और डिलीवरी के बाद लोगों के आमने सामने आने पर जच्चा और बच्चा को हॉस्पिटल ने भर्ती किया। बच्चे की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ये दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बगल में खड़ी एम्बुलेंस के पीछे की जगह है। ये अस्पताल का परिसर है और इस परिसर में डॉक्टर नर्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन इस जगह से जुड़ी कहानी सुनेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। ठीक इसी जगह शुक्रवार शाम एक महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। उनको बाहर भेज दिया था कि आपके पास कागज नहीं, आप बाहर जाओ। कहाँ हुआ बच्चा? यहाँ पे हुआ है, कार के पीछे। मतलब हॉस्पिटल के बाहर हुआ? हाँ, हॉस्पिटल के बाहर हुआ है। उन्होंने कहा कागज लेकर आओ। अभी क्या कंडीशन है? अभी बच्चा सीरियस है। चश्मदीद का ये बयान दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल की लापरवाही की पोल खोलने के लिए काफी है। गर्भवती महिला के साथ आई ये महिला डॉक्टरों से बहुत देर तक मिन्नतें करती रही। फातिमा नाम की महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन बहरा बना हुआ था। फातिमा के साथ आई महिला की एक न सुनी और कराहती महिला को कागजात पूरे न होने का हवाला देकर अस्पताल से बाहर भेज दिया गया। जब इसका ब्लड नीचे गिर गया तो फिर मैंने इसको बोला कि मैडम देखो इसका ऐसा ऐसा हालत है। फिर उनने बोला कि जा चुपचाप बैठ जा, अभी नहीं होगा, जा। ऐसे मुंह उठा के चले आते, कागज वगैरह दिखा। अस्पताल से बाहर आते आते महिला का दर्द बेहद बढ़ चुका था। अब वो घड़ी आ चुकी थी जब उसे एक बच्चे को जन्म देना था। अस्पताल ने बाहर कर दिया तो मजबूरी में उसने सीमेंट के इस फुटपाथ पर बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा सीमेंट के फुटपाथ पर गिर गया। नवजात बच्चे के सिर पर चोट आ गई। महिला की हालत देखकर वहां मौजूद लोग गुस्से में आ गए। आनन फानन में माँ और बच्चे को भर्ती कर दिया, जहां बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन आता है। इस अस्पताल में लापरवाही के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं। शुक्रवार सुबह ही एक महिला इस अस्पताल से बच्चा चुरा कर भाग गई थी और शाम होते होते एक महिला को खुले में बच्चे को जन्म देने पर मजबूर किया गया। इस बड़ी लापरवाही पर अभी तक अस्पताल का पक्ष नहीं मिल पाया है।